भाई मेहनत कर रहे हैं हमारे अली भाई, इधर देखो ये अली भाई लगा रहे हैं बिरयानी के पैकेट डबल करके। ये रैम्बो ताज, ये देखो अली हैदर अलसानी और ये कैप भाई। तो भाई इन्होंने ये देखो पैकिंग कर ली है बिरयानी की और चलते हैं हम मुरादाबाद लेकर के चलते हैं इसको। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी भाई बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर सपोर्ट किया और मेरे 100 के फॉलोवर्स कंप्लीट कराए, तो भाइयों मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था अपने इंस्टाग्राम पर रील्स डालकर कि भाइयों मेरे दोस्त मुझे कॉल कर रहे हैं कि भाई 100 के का केक काटेंगे, पर मैंने केक काटने को इनकार कर दिया। मैंने ये ऑप्शन आप लोगों के लिए रखा कि आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। तो आप लोगों से मैंने कमेंट में पूछा था, कुछ भाइयों ने कमेंट की भाई आप भूखों का पेट भरवाओ, भूखों को खाना खिलाओ और रमजान का महीना चल रहा है भाई, इफ्तारी कराओ मस्जिद में, ये सबसे अच्छा काम रहेगा। तो भाइयों मैंने आपकी एक कमेंट उठाकर, किसी भाई ने कमेंट की थी कि 100 लोगों को आप खाना खिलवा दो भाई, तो भाई हमने 100 लोगों का इंतजाम किया था। तो उसमें हमारा जो खाना अंदाजे से हमने बनवाया था तो वो 70 पैकेट बने, मतलब 70 लोगों का खाना बन पाया। हमने 100 का इंतजाम किया था पर वो कम बैठ गया। तो भाइयों हम लेके चलते हैं मुरादाबाद और खिलवाते हैं उन लोगों को। और आप भी कभी ऐसी खुशी मनाएं तो आप भी इन गरीबों के साथ खुशी मनाएं, क्योंकि आपकी खुशी इनका एक वक्त का पेट भरवा सकती है। तो भाइयों चलते हैं मुरादाबाद की ओर। और जैसे आपने मुझे इंस्टाग्राम पर सपोर्ट किया भाई, मुझे यूट्यूब पर भी सपोर्ट करें और मैं ऐसे अच्छे अच्छे काम अल्हम्दुलिल्लाह करता रहूंगा, और आप भी। अल्लाह की मर्जी है, बाकी तो बस ये। तो भाई चलते हैं मुरादाबाद और दिखाते हैं आपको कितने परेशान लोग हैं। और ये हमने ले लिए पानी की बोतलें उन लोगों के लिए भाई। ये हमारा छोटा भाई है तुर्क रैम्बो, और ये हमारे आफ्ताब भाई साथ में है, और ये हमारे शमीर भाई, हमारे तोसीफ भाई के लड़के। और यहाँ पर इसमें 70 पैकेट है, पैकेट दिखाना भाई कैसे। तो भाई बिरयानी बनवाई है, बिरयानी पैक की है, और हमने बिरयानी इस चना बिरयानी बनवाई है, इसलिए चना बिरयानी बनवाई है क्योंकि यहाँ पर लोग हिंदू और मुसलमान सब होते हैं। तो भाई अगर हम किसी को, कोई भाई अगर वो चिकन की बिरयानी नहीं खाता होगा और उसको हम ये दे दें तो भाई उसके साथ धोखा हो जाएगा और सवाब की जगह में गुनाह हो जाएगा। तो भाई हमने पानी की बोतलें भी ली उनके लिए, कुछ पानी बोतल ही आती है। तो चलते हैं अभी दिखाते हैं आपको कितने परेशान लोग हैं, चलते हैं। तो भाई हम जा रहे हैं मुरादाबाद की ओर और चल के दिखाते हैं आप लोगों को भाइयों कितने परेशान लोग हैं। अगर आप भी कोई खुशी मनाए अपनी तो यार तुम इन लोगों के साथ में खुशी मनाओ, क्योंकि आपकी एक टाइम की खुशी इनका एक टाइम का पेट तो भरवा ही सकती है। और आप अच्छे से अच्छा खाना बनवा के इनके लिए लेकर जाएं, क्योंकि जितना घर तुम इधर उधर केक वगैरह में उठा देते हैं पैसे, इतने पैसे से हम इनका पेट भर सकते हैं काफी लोगों का। इस टाइम पहुंच चुके हैं कोहिनूर चौराहे पर। तो ये देखो आगे को कोहिनूर चौराहे का एरिया चल रहा है यहाँ पर। तो हम जाएंगे भाई फिलहाल में फाटक पर, क्योंकि वहां पर बहुत परेशान, बहुत मजबूर, थोड़े मेंटल भी होते हैं लोग, कुछ परेशान भी है, गरीब भी है, तो कोई जहां तहां के आए हुए लोग भी हैं। तो वहां जाते हैं, उनको देते हैं खाना, देखते हैं कौन कौन लोग इस टाइम वहां पर मौजूद मिलते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे का दिखाओ। ये हमारा मुरादाबाद है गाइस, तो ये हमारा मुरादाबाद है, मुरादाबाद की गलियां। तो इस टाइम क्या हो रहा है भाई, टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं डबल फाटक, आगे सामने डबल फाटक आने वाला है। डबल फाटक पहुंच के हम जाएंगे रेलवे स्टेशन पर। काफी लोग बाहर के भी हैं और कुछ क्या बताएं, नशेड़ी भी हैं और परेशान भी हैं और कुछ मेंटल भी हैं। तो भाई उनके लिए वैसे तो लोग आते जाते रहते हैं, उनको खाना खिलवाते रहते हैं, पर हम सबका ये फर्ज बनता है उनका ध्यान रखना। तो चलते हैं हम रेलवे स्टेशन पर और वहां पर पहुंच के आपको नजारा दिखाते हैं। Oh,
तो भाइयों ये है हमारे मुरादाबाद का रेलवे स्टेशन का एरिया। अगर आपको हेल्प करनी है गरीबों की तो यहाँ पर होटल खुले हुए हैं, यहाँ पर आप होटल पे पैसे देकर इनको खाना खिलवा सकते हो। यहाँ पर जितने भी ये होटल है यहाँ पर खाना खिलवा सकते हो। आगे ये रेलवे स्टेशन का एरिया, इधर को अंदर को रेलवे स्टेशन है। तो ये हमारे तीनों भाई खड़े हैं लोगों के लिए, हेल्प के लिए। तो ये रेलवे स्टेशन है हमारा। अगर आप भी अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत परेशान लोग रहते हैं, तो आप यहाँ आकर हेल्प कर सकते हैं। इन होटलों पर आकर भी पैसे दे जा सकते हैं खाना खिलवाने के लिए।